एक मित्र ने पूछा है, उपवास का ध्यान से क्या संबंध है तथा इसका ध्यान पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपवास को साप्ताहिक दिनों एवं पर्वों पर रखने का क्या महत्व है। उपवास में खान पान किस प्रकार का होना चाहिए। उपवास शब्द का अर्थ होता है अपने निकट वास करना, अपने निकट रहना, या उसे अगर सरल शब्दों में हम कहें, उपवास का अर्थ है अपने साथ होना। ध्यान का भी यही अर्थ है, अपने निकट हो जाना, अपने आप को अनुभव करना। ध्यान और उपवास इन अर्थों में बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन तुम जिसे उपवास की तरह से देखते हो कि कुछ भी ना खाना, वो उपवास की सबसे बाहरी परिधि, उपवास का सर्वाधिक स्थूल रूप है। केंद्र में है ध्यान, और कभी ध्यान इतना गहरा होता है कि तुम खाना पीना भूल जाते हो। तुम भूल सकते हो तब उपवास घट जाता है, और जब ध्यान इतना गहरा हो कि तुम अपनी परिधि को भूल सको, वही सबसे गहरा उपवास होता है। लेकिन तुम अपनी परिधि पर काम करके अपने केंद्र को थोड़ा सहयोग दे सकते हो। शरीर और मन गहरे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत में इसीलिए जो पर्वों की बात पूछी है, बहुत सारे पर्वों में उपवास का विधान रखा गया है, ताकि तुम कभी कभी अपने दिन प्रतिदिन के खान पान से अलग होकर अपने साथ रह सको। लेकिन कई बार होता उल्टा है, जब तुम पर्वों में उपवास की बात करते हो तो आम दिनों से ज्यादा ही खान पान में रुचि लेते हो, और बहुत लोग पर्वों पर उपवास रहते ही इसलिए हैं कि आज कुछ अलग खाने को मिलेगा। ठीक है, भोजन तुम्हारे जीवन का एक उत्सव है, उस उत्सव में शामिल रहना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी इस शरीर को विश्राम देना भी ठीक होता है। कभी कभी तुम अपने शरीर को थोड़ी विश्राम की अवस्था में ले जा सकते हो। तुम्हारा जो आंतरिक तंत्र है शरीर का, वो जो प्रतिदिन भोजन को पचाने में अपनी ऊर्जा व्यय कर रहा है, उससे तुम हटते हो और शरीर को कुछ और काम करने देते हो। जब तुम कभी कभी पूरी सजगता के साथ भोजन से हट जाते हो, तो शरीर का जाना पहचाना ढंग बंद होता है, और इसका असर तुम्हारे मन पर भी पड़ता है। तुम्हारे मन की जानी पहचानी गतिविधि भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। इस समय का उपयोग तुम ध्यान में जाने के लिए कर सकते हो, तुम और गहरे ध्यान में डूब सकते हो। लेकिन हमेशा ये ख्याल रखें कि कुछ भी जबरदस्ती ना करें। ऐसा नहीं कि तुम्हारा शरीर भोजन की मांग कर रहा है, उस समय तुम्हारे शरीर को भोजन की बहुत आवश्यकता है, और फिर भी तुम उसे भूखा रखो।
शरीर तुम्हारे भीतर के परमात्मा का मंदिर है, उसका ख्याल रखना है। उपवास भी एक तरह का उत्सव है, सेलिब्रेशन है, लेकिन तुम आम तौर से उसे नहीं जानते हो, क्योंकि आम तौर से उपवास भी एक किस्म का बंधन होता है, एक किस्म का संकल्प होता है, एक किस्म की जिद होती है। उपवास जिद नहीं है। उपवास की प्रारंभिक शर्त है मन को शांत करना, कि तुम्हारे मन ने अब दौड़ना बंद कर दिया है। आम व्यक्ति का मन तो भोजन में ही दौड़ता रहता है, और तुम शरीर के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हो, तब उपवास का सारा अर्थ बेकार हो जाता है। इसीलिए ये एक साधना का ढंग है, ध्यान में जाओ और जब तुम्हारा मन शांत होने लगे, तुम्हें लगे कि तुम अपने साथ ठहर सकते हो, तो थोड़ी देर के लिए भोजन से हट जाओ। उस ठहराव के क्षण में तुम अपने भीतर और गहरी गति अनुभव कर पाओगे, अपने शरीर के भीतर ऊर्जा के नए तलों को अनुभव कर पाओगे। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा के बहुत सारे तल हैं। सबसे प्रारंभिक तल तुम्हारे भोजन से ही चलता है। तुम जो खाते पीते हो उससे तुम्हें ऊर्जा मिलती है, उससे ही तुम चलते हो। लेकिन तुम्हारी चेतना को सक्रियता देने के लिए तुम्हें और सूक्ष्म ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसको अनुभव करने के लिए तुम्हें इस प्रारंभिक तल को विराम देना पड़ता है। जब तुम्हारा प्रारंभिक तल रुक जाता है, तो तुम्हें अपने अंदर कहीं सूक्ष्म ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव होता है। एक बार अगर तुम्हें उसका सिरा पकड़ में आता है, तो तुम देखते हो कि तुम अपने अंदर और गहरे उतर रहे हो। उपवास से मिलती जुलती एक ध्यान विधि और रही है, वो तुम्हारे शरीर का एक अलग आयाम से उपयोग करती रही है। वो तुम्हारे शरीर को थका देने की प्रक्रिया है। उस ध्यान विधि में साधक धीरे धीरे दौड़ता रहता है, एक ही जगह पर एक गोल दायरे में वो धीरे धीरे दौड़ता रहता है, और एक बिंदु आता है जब उसे लगता है कि अब वो एक कदम और भी उठा नहीं सकता, तब वो अपने शरीर को गिर जाने देता है। शरीर गिर जाता है, शरीर की ऊर्जा का प्रारंभिक तल पूरी तरह थक चुका है, तुम अपने अंदर जागे हुए हो, और उस अवस्था में एक सूक्ष्म ऊर्जा भीतर उठती हुई अनुभव में आती है। वो तुम्हारे केंद्र से उठ रही होती है, उसमें तुम अपने केंद्र का अनुभव कर पाते हो। उपवास में तुम सीधे सीधे शरीर को भोजन देना बंद कर देते हो। तुमने शरीर के सामान्य तल पर काम किया है, तो पूछा है कि खान पान कैसा होना चाहिए। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो। पहली बात है, जब तुम ध्यान में जा रहे हो तो शरीर को जितना हल्का फुल्का रखोगे उतना सहयोगी होगा। तो खान पान बहुत ही हल्का फुल्का होना चाहिए, जो तुम्हारे शरीर को तमस से ना भरे, आलस्य से ना भरे, बल्कि उसे ऊर्जा दे, उसे आवश्यक शक्ति दे, लेकिन उसमें आलस्य का प्रभाव कम से कम हो। तुम खूब पानी पी सकते हो। पानी पीना भी तुम्हारे शरीर में एक तरलता लाएगा, तुम हल्का अनुभव करोगे। और अपने भोजन को अपने आंतरिक केंद्र से चुने। ध्यानी यहीं पर एक अलग रास्ता तोड़ता है, थोड़ा इंट्यूटिव,
ऐसा नहीं कि तुम्हें बताया गया है कि ये खाना है ये नहीं खाना है, इन सब बातों को छोड़ दे। ऐसे शुरू करें जैसे फिर से तुम नए सिरे से शुरू कर रहे हो, सब कुछ नई किताब, इंट्यूटिव। तुम्हारा अंतर्मन तुमसे कहेगा कि तुम्हें क्या भोजन चुनना है क्या नहीं चुनना है, और ये बात पर्वों में ही नहीं तुम्हारे पूरे जीवन में सहयोगी होगी, क्योंकि भोजन तरंगों को भी पीता है। तुम्हारे आसपास के वातावरण की तरंगें भी भोजन में अवशोषित हो जाती हैं और वो तुम्हारे भाव शरीर को प्रभावित करती हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो भोजन तुम्हारे सामने है उसकी तरंगे तुम्हारे भाव शरीर के उपयुक्त तो ना हो और तुम्हारे अंदर से एक ना उठ रही हो। जब तुम्हारे अंदर से ना उठ रही हो तो ना कर दो, उस समय किसी औपचारिकता में ना पड़े। ये तुम्हारे अंतर मन से भोजन का चुनाव होगा। कभी कभी कुछ ऐसी चुनाव की घटनाएं भी होंगी जो तुम्हारे लिए चौंकाने वाली होंगी, क्योंकि तुम अपने शरीर के प्रति उपेक्षा से भरे रहे हो, तुम उसे नहीं जानते रहे हो। लेकिन जब तुम ध्यान पूर्ण होगे तब तुम्हारा शरीर तुम्हें निर्देशित करने लगेगा। उपवास के पीछे जो रहस्यमय अवधारणा थी वो यही थी कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हें बताने लगे कि तुम्हारे लिए क्या भोजन उपयुक्त है। जितनी औषधियां वनस्पतियां खोजी गई हैं वो इसी ध्यानपूर्ण अवस्था में कि साधक उनके पास से गुजर रहा था या नहीं भी गुजर रहा था, वो अपने ध्यान में बैठा था और उसके भीतर से एक अंतः प्रेरणा जागती है कि ये तुम्हारे उपयोग में आ सकती है चीज। बहुत सारे पशु पक्षियों को तुम देखोगे वो इंट्यूटिव ईटिंग करते हैं, अपनी अंतः प्रज्ञा से वो अपने भोजन का चुनाव कर लेते हैं। इसीलिए कोई भी पशु या पक्षी उतना ही खाता है जितना उसके लिए उपयुक्त होता है। एकमात्र मनुष्य है जो अपनी आवश्यकता से या तो कम खाता है या अपनी आवश्यकता से अधिक खाता है। कुछ लोग अधिक खाने से बीमार पड़ते हैं और कुछ लोग कम खाने से बीमार पड़ते हैं। उपवास सम्यक भोजन है, भोजन में संतुलन। इस सम्यक भोजन की तलाश करेंगे और इसमें ध्यान सहयोगी होगा। तो प्रारंभ में ध्यान ही है, भोजन की बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और कई बार तुम केवल धार्मिक कारणों से भोजन लेना बंद कर देते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता क्यों, तो उसकी कोई महत्ता नहीं, उससे तुम्हें कोई पुण्य लाभ भी होने वाला नहीं। सम्यकत्व की तलाश करेंगे और उपवास के वास्तविक अर्थ को उपलब्ध होंगे, अपने निकट होना। अपने निकट होने पर तलाश होता है अपने शरीर के सूक्ष्म और अति सूक्ष्म तलों का। इसीलिए इन सारी प्रक्रियाओं को उपयोग में लाया गया। प्रयोग करें और प्रयोग करके उसे जानें। प्रयोग करेंगे तो कई बार तुम्हें हैरान करने वाली जानकारियां मिलेंगी, तुम्हें अंदर से दिशा निर्देश मिलेंगे जो तुम्हें चौंकाने वाले होंगे, और तब तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुमने अपने शरीर का
कितना सहयोग दिया है, कितनी उपेक्षा करी है, और इस शरीर ने तुम्हारे साथ कितना सहयोग दिया है, इस सब को तुम बड़े ही जागरूकता के तल पर देख पाओगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, केवल विवेक और जागरूकता और सम्यकत्व, यही उपवास का केंद्र है, विवेक, जागरूकता और सम्यकत्व।